हेलो एंड वेलकम टू विजया भारतीज किचन फ्रेंड्स। आज मेरे किचन में हमने बनाई है मलाई की सब्जी, जो कि खाने में पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी होती है। आप बनाइए और मुझे बताइए कि ये सब्जी आपको कैसे लगी। मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज अनियन फाइन चॉप करके रखा है, वो भी ऐड करती हूँ और इसको थोड़ा सा ही मैं फ्राई करूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको भी फ्राई करने तक, जब तक इसका कच्चापन निकल जाए, इसको फ्राई करूँगी। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज टमाटोज की प्यूरी ऐड करेंगे और मसालों में नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये सब इसमें ऐड करेंगे और इसको अब अच्छी तरह से कुक करेंगे हम, जब तक टमाटो प्यूरी कुक हो जाए। लो फ्लेम पर हम टमाटो प्यूरी को कुक होने तक रखेंगे। अब टमाटो प्यूरी इसमें बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब हम इसमें मलाई डालेंगे, जो दूध की मलाई होती है। जब भी अगर आपके घर में कोई सब्जी ना हो और मलाई हो, तो फटाफट आप ये मलाई की सब्जी बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी है बनाना और खाने में पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी होती है। मलाई डालने के बाद इसको हमें सिर्फ मिक्स करना है थोड़ा सा ही, ज़्यादा देर कुक नहीं करना है। मलाई में बहुत घी होता है, इसीलिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बहुत कम ऑयल डाला था। ये देखिए, मलाई की सब्जी बनके तैयार हो गई। साइड में ऑयल भी छोड़ दिया है इसने। अब हम गैस बंद करते हैं और इसको कोरिएंडर लीव से गार्निश करते हैं। रेडी हो गई हमारी मलाई की सब्जी।